हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इन दिनों में बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई ऑटोमेटिक कार में मैनुअली गियर शिफ्ट कैसे कर सकते हैं। आपको बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट सारे जो ऑटोमेटिक कार्स आती हैं उनमें ये ऑप्शन मिल जाता है आपको कि आप जो है मैनुअली गियर शिफ्ट कर सकते हैं। एक हद तक कर सकते हैं, मतलब एक ऐसा लिमिट आएगा एवरी गियर का कि वो हाँ ऑटोमेटिकली जो है गियर चेंज हो जाता है। स्पेशली अगर ये AMT आप देख सकते हो, ये ऑटोमेटेड जो है मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पे लिखा होता है, आप देख सकते हो AMT इज ऑटोमेटेड शिफ्टिंग मैनुअल ट्रांसमिशन फॉर इम्प्रूव ड्राइविंग कन्वीनियंस। तो ये जो है प्रॉपरली जो है ऑटोमेटिक नहीं है। AMT का मतलब ये है कि ये मैनुअल ट्रांसमिशन है, सिर्फ इसमें जो एक एक्चुएटर लगा देते हैं तो जिसकी मदद से गियर शिफ्टिंग जो है ऑटोमेटिकली हो जाती है स्पीड सेंस करके। तो अभी जो फिलहाल हमारे पास है उसे कहते हैं AMT। और ऐसे मार्केट में बहुत सारे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको मिल जाएंगे, जैसे कि हो गया DCT हो गया, टॉर्क कन्वर्टर हो गया, एक और आता है याद नहीं है मुझे, पर फिलहाल अभी हम यहाँ पे AMT की बात करेंगे। तो ये एक प्रॉपर जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ना होने की वजह से इसमें आपको एक डाउनसाइड मिलता है कि इसमें जो है आपको मतलब आप जब चाहो तब आपको गियर जो है प्लस और माइनस नहीं कर सकते हैं। आप उसको भी एक स्पीड लिमिट है, उतने स्पीड में ही जो है गियर माइनस होगा, उतने स्पीड में ही जो है गियर प्लस होगा। तो चले बढ़ते हैं अभी डायरेक्टली वीडियो की तरफ। मैं आपको जो है प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें कि आप कैसे जो है प्लस माइनस कर सकते हो। तो कार आपको पहले ऑन करने के लिए, ऑटोमेटिक कार आपको अगर आपको ऑन करनी है तो उसके लिए पहले आपको प्रॉपरली पूरी तरीके से ब्रेक प्रेस करके ही कार आपको ऑन करनी है। एंड मेक श्योर कि आपकी कार स्टार्ट करने के टाइम जो है न्यूट्रल पे है। आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट जो है न्यूट्रल की वो है, ब्लिंक हो रही है, तो इसका मतलब कार अभी न्यूट्रल में है, इसलिए कार जो है ब्रेक प्रेस करके स्टार्ट होगी। अगर ड्राइव में और रिवर्स में ये कार स्टार्ट नहीं होगी तो आपको न्यूट्रल करके ही कार स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो न्यूट्रल है, अभी हैंडब्रेक अभी है, हैंडब्रेक मैंने किया नीचे और ब्रेक मैंने अभी पकड़ा हुआ है। तो यहाँ से मैं करूँगा ड्राइव, और ड्राइव से मुझे मतलब मारुति में मुझे लगता है शायद इस तरफ होता है, मतलब यहाँ पे आपको ऐसे करने का ऑप्शन मिलेगा अगर आपको मैनुअली शिफ्ट करना है गियर। पर मुझे लगता है मारुति के कार्स में, मतलब पता नहीं, पर हर एक कार का अलग अलग होता है, पर जो मेथड है वो एक ही है, चाहे इस तरफ करो या फिर उस तरफ करो। तो इसमें आपको जो है मैनुअली अगर आपको गियर शिफ्ट करने का तो आपको इस तरफ लाके जो है, तो अब ये हो गया है मैनुअल, तो इसमें आप प्लस माइनस करके गियर जो है चेंज कर सकते हो। जब आप सेकंड डालोगे ना, जब आप सेकंड डालोगे तो हल्का सा पैर जो ऐसे, हल्का सा पैर आप देख सकते हो, हल्का सा पैर ना ऐसे उठा लो, मतलब ऐसे जब आप गियर शिफ्ट करोगे, अब मान के चलो सेकंड में है, मुझे अभी प्लस करना है, तो मैंने पैर हटाया, प्लस किया और फिर वापस से मैंने एक्सेलरेटर दिया। यहाँ पे दिखाऊं मैं आपको एक बार और, तो यहाँ पे थर्ड गियर पे है, मैंने एक्सेलरेटर दिया, मैंने प्लस किया, जब मैं प्लस करता हूँ तो जो है आपको थोड़ा मतलब हल्का सा वो फॉर अ सेकेंड और टू सेकेंड आपको जो एक्सेलरेटर जो है इसे छोड़ देना है जब भी आप प्लस करोगे तभी। तो अभी डाल लिया है मैंने मैनुअल पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 लिखा हुआ आ रहा है, तो अगर जब ड्राइव पे रहता है ना गाइस तो यहाँ पे जो है D1 लिख के आता है, तो अभी ये मैनुअल में जब रहेगा तो सिर्फ 1 लिख के आएगा। तो चलिए अभी जो है स्टार्ट करते हैं, और मैंने ब्रेक से जो है पैर हटाया, हैंड ब्रेक ऑलरेडी डाउन था, तो ये जो है ऑटोमेटिक एक 10 to 12 की स्पीड में ये जो है ऑटोमेटिक जो है आप देख सकते हैं रोल करती है। मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक्सेलरेटर मैंने नहीं दिया है, मैंने दोनों पैर जो है साइड में रखे हुए हैं ब्रेक से और एक्सेलरेटर से भी, और यहाँ पे जो है M प्लस पे ये कार जो है चल रही है। तो अभी आप मैं अभी आपको अभी करके दिखाता हूँ, 10 की स्पीड है, अगर मैं प्लस करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है सेकेंड गियर पे नहीं जा रही है, ये फर्स्ट पे ही है। तो इस यही मैं आपको मतलब लास्ट क्लिप में जो है बताने का ट्राई कर रहा था कि इसको एक लिमिट है तभी ही ये सेकेंड गियर में शिफ्ट करेगा। आप देख सकते हो मैं थोड़ा अभी एक्सेलरेट करता हूँ मेरी जो है, तो यहाँ पे अभी तक जो आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने अभी किया प्लस, तो अभी ये हो गया सेकेंड गियर में, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ऑटोमेटिक नहीं होगा सेकेंड गियर में। कैसा देख सकते हो 70 की स्पीड है, अभी मैंने किया प्लस तो अब हो गया है थर्ड गियर में। तो यहाँ पे गाइज फिलहाल बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो इसलिए मैं जो है थर्ड या फिर फोर्थ फिफ्थ गियर में नहीं जा पा रहा हूँ। तो अभी और एक बार ट्राई करते हैं, आप देख सकते हैं फर्स्ट गियर पे है और ये डाला मैंने मैनुअल में, तो यहाँ पे जो है अभी मैं रेस दे रहा हूँ, RPM आप देख सकते हो थोड़ा लैग लेता है पर इतना ज्यादा लैग भी नहीं है, मैं कहूंगा एवरेज है लैग जो हो रहा है। सेकेंड गियर में है, अभी मैं पूरी तरीके से कर चुका हूँ एक्सीलरेट, और यहाँ पे मैंने किया प्लस, तो ये थर्ड पे चला गया गियर अभी,
अभी मैं और दे रहा हूँ एक्सेलेरेटर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब अगर मुझे डाउनसाइड डाउन शिफ्ट करना है तो मैं जो है माइनस कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं सेकेंड हो गया गियर, अभी वापस मैंने प्लस किया तो थर्ड हो गया, वापस मुझे यहाँ से टर्न लेना है तो मैं वापस माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ से वापस मैंने अभी टर्न लिया है, तो अभी भी ये जो है मैनुअल में ही है, तो मैं थोड़ा देता हूँ एक्सेलरेटर, मैंने किया थर्ड प्लस किया मैंने। इसमें एक और डाउनसाइड है, उसके बारे में मैं जो है जब डाउन शिफ्ट करके दिखाऊंगा आपको तब मैं बताऊंगा, तो आप देख सकते हो दे रहा हूं मैं एक्सेलरेटर, ये मैंने किया प्लस, थर्ड में 58 की स्पीड है, 60 की स्पीड है, ये मैंने किया प्लस, फोर्थ की स्पीड हो गई है, मैं फोर्थ गियर में गाड़ी जो है चल रही है, और अभी भी फिफ्थ गियर में नहीं पड़ा है, 70 की स्पीड है, अभी मैं स्पीड जो है बढ़ा रहा हूँ थोड़ी, और मैंने किया प्लस। सामने कुत्ते इतने हैं ना भाई, माँ कसम। तो ये हो गया अपना फिफ्थ, इसमें लास्ट गियर फिफ्थ का मिलता है आपको, सिक्स्थ गियर इसमें नहीं मिलेगा, तो 80 की स्पीड से आपको जो है फिफ्थ का गियर। अभी आपको कैसे डाउनशिफ्ट करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ इसी क्लिप में, अभी जो है एक सेकेंड, अपर से 80 की स्पीड में जा रहा हूँ मैं, मैंने किया माइनस, तो यहाँ पे हो गया फोर्थ गियर, मैंने किया माइनस, तो ये हो गया थर्ड गियर, मैंने किया माइनस, तो ये हो गया सेकेंड गियर, तो अभी सेकेंड गियर में आप सुन सकते हो आवाज़ इंजन का कितना ज़ोर से, क्योंकि सेकेंड गियर में 50 की स्पीड है, तो इसलिए जो है बहुत ज़ोर से आवाज़ आया, स्पीड मैं कम कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे थोड़ा ढलान सा है, तो इसीलिए सेकेंड गियर में ही कार जो है आराम से उतर जाएगी वापस से, अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो आप यहाँ पे प्लस, थर्ड पे हो गई कार वापस, यहाँ पे एक शार्प टर्न है तो यहाँ पे मैंने किया माइनस, तो वापस से सेकेंड में हो गई, तो वापस से अगर मुझे प्लस करना है तो वापस से मैंने किया प्लस, वापस से मैंने किया माइनस, तो मुझे फर्स्ट में लाना है तो मैं वापस से करूंगा फर्स्ट में, वापस मैंने किया प्लस, वापस मैंने नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे और एक शार्प टर्न है, तो ये अभी हो गई सेकेंड जो है गियर में आराम से टर्न मैंने निकाला, यहाँ पे मैं वापस से प्लस कर रहा हूँ, तो ये अपनी थर्ड गियर में जो है कार जा चुकी है। जो डाउनसाइड है वो मैं बता रहा हूँ आपको, एक सेकेंड, मैंने वापस किया प्लस, सेकेंड गियर में है अभी 30 की स्पीड पे, 40 की स्पीड पे, मैंने वापस किया प्लस, यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है यार, तो वापस मैं यहाँ से जो है टर्न ले लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटा सा रोड है और सनसेट अब। तो चलिए अभी ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि इसमें जो है आपको मैन्युअली जो है माइनस करने की जरूरत नहीं है इन इमरजेंसी सिचुएशन, सिर्फ आपको ब्रेक अगर आप प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली कार जो है फर्स्ट पे आके रुक जाती है। तो यहाँ पे अभी मैंने जो है डायला क्या होता है, यहाँ पे मैंने डाला अभी एम पे, आप देख सकते हो मैंने किया प्लस, सेकेंड में गई, मैंने किया प्लस, थर्ड पे गई, और यहाँ पे मैं जो है सेकंड पे नहीं ला रहा हूँ, आप देख सकते हो मैंने सिर्फ स्पीड स्लो की है, पर ये ऑटोमेटिकली थर्ड पे क्या फर्स्ट पे भी आके रुक गया है, देख सकते हो मैंने जो है माइनस नहीं किया बिल्कुल भी। और यहाँ से आपको मैं करके दिखाता हूँ एक बार स्ट्रेट, मैं अभी जो है मैनुअल में हूँ, मैंने जो है प्लस किया, सेकेंड में हुई, मैंने जो है प्लस किया, थर्ड में हुई, मैंने अभी जो है प्लस किया, तो अभी ये फोर्थ में हुई। अब यहाँ पे अगर मुझे स्टॉप करना है, एक सेकेंड, तो यहाँ पे अगर मुझे अभी स्टॉप करना है, आप देख सकते हो मैं जो है माइनस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने अभी स्टॉप किया, गियर आप देख सकते हो फर्स्ट पे आके रुक गया,